अस्सलामुअलैकुम। MTH 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइनल टर्म 23 लेक्चर 245 ठीक है मैं आपको करवा रही थी, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको लेक्चर क्वेश्चन नंबर 32 पे स्टॉप करवा दिया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी का ठीक है ये गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर गिवन है और कह रहे हैं कि टोटल 87 पैसेंजर है। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सारे पैसेंजर गिवन है ना, ये सारे अगर इनको प्लस करो तो 87 है। यानी कि इन्होंने बता दिया कि 87 है, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में आप लोग क्या करते हो, इसका क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ आल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल। अब सम ऑफ आल नंबर इन नंबरों को सम करो तो 87 आता है। ठीक है, सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बता दिया ऊपर ही। ठीक है, अगर ना भी गिवन होता तो आप इनको प्लस करके कर सकते थे। ठीक है, और नीचे आपने लिखना है टोटल नंबर। अब टोटल नंबर यहाँ पे कितने देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको डिवाइड करोगे 87 बाय 7 तो ये कट होके आपके पास 1.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बगैर कैलकुलेटर से किया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर में खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज्ड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव व्हाट इज़ द एवरेज ग्रोथ रेट। देखें एवरेज ग्रोथ रेट में हम क्या करते हैं, एवरेज ग्रोथ रेट और अरिथमेटिक मीन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करते हो, सारी वैल्यू को सम करते हो और डिवाइड करते हो टोटल नंबर से। तो यहाँ पे देखें कितनी है, 2% 2.25%। ठीक है, 2 + 2.25 + 3। अब मर्जी है परसेंट सबके साथ अलग अलग लिखो या बाहर एक दफ़ा मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, और टोटल नंबर कितने, 1 2 3 नंबर हैं, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 357.25 डिवाइडेड बाय 3। अब कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट डिवाइड करोगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखें मीन क्या होता है, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। ठीक है, 2 दफ़ा 19 है, तो इसकी वैल्यू 19 नहीं है, 16 होगा। देखिए क्यों, देखें 1 2 3 दफ़ा 16 है और बाकी क्या है, बाकी बस। ठीक है, इसका मोड जो है वो 16 है। ठीक है, मोड में आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जो बार बार रिपीट होती है, ज़्यादा रिपीट होती है। ठीक है, तो मोड 16 है। उसके बाद आपने निकालना था इसका ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। तो देखें मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडेस्ट वैल्यू। तो मिडेस्ट वैल्यू इसकी क्या है, यहाँ पे देखें इसके टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि दरमियान वाले दो जो होंगे, 5 इधर से छोड़ के, यानी कि ये दो होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर है, यानी कि 9 और 16 इसका मीडियन है। तो अगर तो एक मीडियन होता सेंटर में तो हम वही नंबर लिखते, यही बात थी, लेकिन यहाँ पे इवन आ गए, यानी कि 2 नंबर आ रहे हैं सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, दानू को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा और डैट इज 25/2। इसको आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2.5 समथिंग। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैं बगैर कैलकुलेशन के बस डायरेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद है हाँ ज्योमेट्रिक मीन भी रह गया, सारे नंबर लिखने हैं। ठीक है, जितने भी ये सारे नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, जैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, जितने भी नंबर हैं सारों को मल्टीप्लाई करना है 16। ठीक है, और इसकी पावर में लिखना है 1/n। अब n क्या है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1/12 करोगे। अब आप कैलकुलेटर में इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक बड़ा सा नंबर आएगा। ठीक है, उस नंबर की पावर 1/12 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए खुद छोड़ रही हूँ, आपने खुद करना है। ठीक है, मैथड बता दिया, जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है। अभी कैलकुलेटर में ओपन अगर करूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। अब अपने मीन मोड और मीडियन ही निकालना है, लेकिन अब अपने ग्रुप डाटा का निकालना है, तो इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या था, बेसिकली आपको ये ठीक है गिवन थी, क्लास इंटरवल गिवन थी और आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकालना है, तो वो इक्वल होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। अब आपके पास f तो है ठीक है, लेकिन x नहीं है, तो आपने x फाइंड आउट करना है। तो x का क्या मतलब होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो 51 प्लस 51 55 करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह 60 प्लस 56 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 116, ठीक है। और उसको डिवाइड करोगे 2 से तो इस तरह 58 आ जाएगा। इस तरह इसको प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से, यानी कि मिड पॉइंट निकालोगे सारू को, ठीक है, इन चारों का। तो आपके पास ये चार आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक्स आ गया। अब आपको क्या चाहिए? समेशन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का समेशन। तो ये एफ है और ये एक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को करोगे तो ये, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है? इनका समेशन निकालना है। समेशन का मतलब होता है प्लस करना, इस सिंबल का मतलब भी प्लस होता है, ठीक है। तो इन सब को प्लस करोगे तो आपके पास 1420 आ जाएगा। तो 1420 लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना है, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका समेशन। तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो 21 आएगा। मैंने जल्दी जल्दी किया, आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया, डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आपने अब इस कंसेप्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। अब आपने मीन निकाल लिया, ठीक है। अब आप मीडियन के लिए क्या करोगे? अच्छा, मीडियन का फार्मूला है एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस जी। अब आपको मैं बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। टेबल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए 2784 सबसे ज़्यादा 8 वाली है, यानी कि हमने जो काम करना है वो इस रो में करना है, ठीक है। ये मैंने एरो डाल दिया, ठीक है। अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आपके पास एफ़ जो है वो 8 है, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है साइड, यहाँ पर आपने देखना है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। एफ़ यहाँ पर 8 है और फार्मूले में एच है, ठीक है। एच आपके पास होती है हाइट, और हाइट आपके पास ये है, ठीक है। 51 से लेकर 60 के दरमियान में कितना गैप है? 60 से लेकर 56 से 61 तक, 60 के इन सब के दरमियान में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हाइट है, इनकी जो हाइट है वो 5 है। तो आपने h = 5 रखना है और f आपने 8 रखना है और l आपको चाहिए। l आपके पास मतलब होता है लोअर बाउंड्री, यानी कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस रो की, उसकी लोअर बाउंड्री क्या है? तो उसकी लोअर बाउंड्री है 60.5। तो ये देखें l आपके पास 60.5 आ गया। अब आपको क्या चाहिए? और फार्मूले में l भी हो गया, h भी हो गया, f भी हो गया, n/2 माइनस c। देखें n/2 का क्या मतलब है? n यानी कि टोटल नंबर। टोटल आपके पास कितनी थी फ्रीक्वेंसी? ठीक है, 21। ये डिवाइडेड बाय 2 करनी है। तो 21 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगी n/2। दैट इज़ इक्वल टू 10.5। ये n/2 इज इक्वल टू 21/2 डेट इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। ये उसके बाद लास्ट थिंग जो है सी का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है, कम्युलेटिव। अब आपने जिस रो पे काम कर रहे हो, ठीक है, उससे पीछे वाली की आपने लेनी होती है। तो इस यहाँ पे 17 है, इससे पीछे 9 थी, तो सी आपने 9 लेनी है। अब सारी चीज़ें आ गई हैं। अब करते हैं, अब इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे पहले लाइन में लिख लिया है, ठीक है। अब आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो एल लेंथ प्लस हाइट बाय फ्रीक्वेंसी और n/2 माइनस सी, ठीक है। इन सब को सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, आपको नज़र आ रही होगी। तो आपके पास आंसर 61.4375 आ जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि जिस रो पे हमने काम किया है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि ये वाली जो थी, ठीक है, आपका जो भी मीडियन आएगा ना वो इन दोनों के दरमियान में आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। तो 61 से लेकर 65 के दरमियान वाला नंबर ही आपका कोई आंसर आएगा। तो देखिए हमने सॉल्व आउट किया तो वही आंसर आया है, ठीक है, इसके दरमियान में आया है, ठीक है। इसमें मतलब कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की। क्वेश्चन है मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो इसमें आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ 1/2 FM, ठीक है। ये अब आपको एल भी पता है, एच भी पता है, ऊपर आपने फाइंड आउट किया। अब आपके पास FM F1 F2 क्या है? देखें यहाँ पे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना वो होती है FM, ये, ठीक है। और जो उससे पीछे वाली होती है एक नंबर, उसको हम कहते हैं F1, और उससे आगे वाली होती है वो होती है F2, ठीक है। अब ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे लिख ली। अब आपने इस फार्मूले के अंदर L की जगह पे पुट की, प्लस FM की जगह पे, F1 की जगह पे, 2 टाइम FM1 की जगह पे, और F1 F2 की जगह पे, और हाइट, ठीक है। सारी वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, सॉल्व आउट किया और आपके पास ये इस तरह से मोड आ गया। और 37 मीन मीडियन मोड, ठीक है, यही फार्मूला लगा के आपने फाइंड आउट करना है, खुद करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द 5 नंबर समरी ऑफ द डाटा, ठीक है। इसमें आपने मिनिमम कैसे निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालना है, मीडियन, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये 5 नंबर समरी वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें मैंने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, ठीक है। इसके बाद आपने फाइंड मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। मीन आपको पीछे मैं करवा चुकी हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 39, ठीक है, ये आपके पेज नंबर 60 हैंड आउट में आपके मौजूद है। सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल, उनको देख लेना, बिल्कुल एज इट इज़ करना है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करवा रही। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं आपको मीन भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है, मोड भी गिवन है, और बताना है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे बतानी है, देखें एक है 285 है मीन, ठीक है, मीडियन आपके पास 330 है और मोड 340 है। तो इसका ऑर्डर कैसे है, सबसे बड़ा ये वाला है, उससे छोटा ये वाला ऑर्डर है। तो इस तरह का ऑर्डर हो तो आपके पास पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या स्कीव्ड होती है। ये आपने हैंडआउट में देखना है, आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे वो डायग्राम बनी हुई है 61 पेज पे। आपका ये टास्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। बताना है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। क्वालिटी जिसकी किसी वेट क्या है, वजन, ठीक है, स्टूडेंट का वज़न मेयर करें तो मेयर कितना वज़न है, कितने किलो है, तो ये चीज़ है, तो ये क्वांटिटी है। किसी चीज़ की मिकदार जिसका हिसाब किताब करते हैं गिनती का, ठीक है, उसको कहते हैं क्वांटिटी। और क्वालिटी कि ये चीज़ कितनी मजबूत है, कितनी पायदार है, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं क्वालिटी, ठीक है। देखें क्या रहे, राइस ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो कितने मतलब मुल्क के लोगों के लिए राइस आते हैं, तो वो भी केजी के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे देखें कलर ऑफ आई ऑफ 1000 पर्सन, ठीक है, 1000 पर्सन की आइज़ का कलर कौन सा है, तो कलर किलो शिलो में नहीं होता ना, ये बताते हैं ना कि ये कलर है वो कलर है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये क्वालिटी है, आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा, डिफाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो ये मैंने आपको बता दिया है क्वालिटी में क्या होता है, क्वांटिटी में क्या होता है। नेम 5 फील्ड्स वेयर स्टैटिक्स कैन बी कंट्रीब्यूट। अच्छा, 5 फील्ड बतानी है कि स्टैटिक कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये आपका टॉपिक है, उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि स्टैट बिजनेस में यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होती है, हेल्थ में, मेडिसिन में, बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज़ होती है। तो हैंड आउट से कोई भी अपने 5 पिक कर लेंगे। उसके बाद फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपने खुद करना है। आगे ये देखें, ये सॉल्व हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें करते क्या है बेसिकली, इसमें देखें जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, पहले बॉक्स में वही लिखते हैं, अगले स्टेप में आप क्या करते हो, पिछली प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहते हो। यहाँ पे देखें ये आपके पास 3 थी ना, तो अगले की 11 है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 14 आ जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगले की 14 से अगले की करनी है तो 14, और 19 को प्लस करोगे तो 33 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से 33 की करनी है तो इनको प्लस करोगे तो आपके पास 61 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने सारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक आपके पास एग्जाम्पल, और आपने बताना है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ ये है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको अब कहते हैं कॉलम बार ग्राफ, ठीक है, तो इसका आंसर है कॉलम बार ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ? अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 15, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी गिवन है, और आपने क्लास की विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्लास की विड्थ का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी गिवन है, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है, विड्थ इज दिस एंड फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो ये देखें ये भी सॉल्व आउट हुआ हुआ है, वो एग्जाम्पल है बार बार। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये देखें आपके पास हर चीज़ें गिवन है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में आप क्या करते हो, क्लास की विड्थ और क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखिए सारी फ्रीक्वेंसी हैं और क्लास की विड्थ, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी आपने करनी है सम अप करके, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नीचे, और क्लास विड्थ आपने ऊपर फाइंड आउट करनी है, देन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये देखिए आपके पास सॉल्व आउट हुआ हुआ है, सारी फ्रीक्वेंसी आपके पास टोटल कितनी है ये, और क्लास की विड्थ आपके पास 9 आ गई है। विड्थ क्या होती है, इन दानों के दरमियान में जितना फासला होता है, ठीक है, तो 9 9 का फासला है, ठीक है, तो 9 9 और 15/9। अच्छा, उसके ये इसका ये भी तरीका है कि आप कर सकते हो सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके, ठीक है, ऊपर और नीचे 9 लिख के ओवरऑल भी करोगे तब भी 15/9 ही आएगा, बल्कि एंड पे इन्होंने किया नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो ये भी सॉल्व आउट हुआ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हो करंट फ्रीक्वेंसी को, तो 15 है डिवाइडेड बाय 100 है टोटल, फिर 12 है 12/100, 10/100, 28/100, ठीक है, सारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अच्छा, ग्राफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 94 स्टूडेंट्स विच शोज द रिजल्ट इन अ क्लास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर डाटा गिवन है तो उसमें से अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, सम करते हैं, सबको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो सम करेंगे F1 F2 इन सारों को, ठीक है, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 से, तो आपके पास आ जाएगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर ये अच्छा ग्रुप वाली है, सिंपल नहीं है। देखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो ऊपर मैंने आपको बताया था ना ग्रुप में कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, सारा मीन मीडियन मॉड सारा वही। अच्छा अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वही सारा। फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको बता चुकी हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, 5 पहली 5 ही रहेगी और अगले में 5 + 18 होगी तो आपके पास आ जाएगी 23, फिर अगले में 23 + 10 होगी तो 33, 33 + 27 होगी तो इस तरह से आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है उसके बाद आपने फाइंडिंग द एंगल ऑफ द पाई चार्ट, ठीक है इसमें आपने पाई चार्ट के अंदर इसको बनाना है तो पाई चार्ट ड्रा करना है और उसके अंदर इसको लेबल करना है। ठीक है ये पाई चार्ट ये इंग्लिश और उर्दू और टोटल, तो ये देखिए एंगल्स बनाने हैं इसमें, इसके ये पाई चार्ट के एंगल्स हैं। ठीक है 130 बन रहा है, 229 बन रहा है और 360 बन रहा है। उसके बाद फाइंड ग्रुप डाटा, ठीक है मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुप डाटा में मीन मीडियन मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। ठीक है वही L0 क्या होता है, H क्या होता है, ठीक है F0 क्या होता है सारा। अच्छा द डाटा ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय 60 कंपनीज गिवन, ठीक है 60 कंपनी का आपको डाटा गिवन है और आपने मीडियन निकालना है ऑफ द गिवन डाटा। तो मीडियन क्या होता है, सारों को सम अप करके डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देना है तो आपके पास आ जाएगा या टू हाँ मिडेस्ट वैल्यू n/2 कर देना है। ठीक है तो आ जाएगा ये। तो आपने ग्रुप के लिए करना है तो ग्रुप वाला फार्मूला लगेगा, ये आपने देख लेना है ये चीज़ कि ग्रुप के लिए कह रहे हैं या अनग्रुप। जो ग्रुप नहीं होता वो अनग्रुप होता है बेसिकली। जो सिंपल वाला है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, करना आसान है, और जो ग्रुप वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है।